नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। डेली करंट अफेयर्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एग्जाम के टाइम पे प्रेशर पे नहीं आएंगे। तो फिलहाल अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरा करंट अफेयर्स पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पहले और फिर डिटेल के बाद क्विज वन लाइनर होंगे, वन लाइनर के बाद हम लोग क्विज का डिस्कशन करेंगे। मेरा जो पूरा मकसद रहता है आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने का, मैं फालतू की न्यूज़ पर आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूं। मैं तीन एग्जाम को टारगेट करके चलता हूं। एक आपका एसएससी रहता है, फिर आपका यूपीएससी रहता है, फिर आपका बैंकिंग अवेयरनेस रहता है। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ऐसा लगती है कि वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैं यहां पर आपके लिए ले आता हूं। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि उस न्यूज़ के अलावा उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपके बारे में आपको थोड़ा सा बता सकूं। अब इतना सब मैं करता हूं तो जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें और शेयर करने से पहले लाइक कर दें। आज का हमारा टारगेट, मैं आपको कोई लाइक का टारगेट नहीं देने वाला हूं। आज का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। आप कह सकते हैं कि सर थोड़े से लालची हो रहे हैं, तो मैं लालची नहीं हो रहा हूं। मैं बस चाह रहा हूं कि ये करंट अफेयर्स और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज का जो आपका टारगेट है वो इस करंट अफेयर्स पे मुझे 10,000 व्यूज चाहिए सिर्फ एक सिंगल वीडियो पे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 10,000 मतलब 7-8 हज़ार तो वैसे ही चलता है, 2,000 और बस आप थोड़ा सा अगर शेयर कर देंगे तो। आज मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज मैं आपसे वीडियो शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। और ये अभी मत करो, आप आज का वीडियो देख लो, मेरी मेहनत देख लो, फिर उसकी बात करना, ठीक है? चलिए, करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और बाकी जितने भी मैंने आपसे कमिटमेंट किए हैं वो मैं सारे के सारे पूरे करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है मिस यूनिवर्स। मैं जब छोटा था तो मैं ये नहीं समझ पाता था कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में क्या फर्क है। मैं सोचता था कि मिस वर्ल्ड वो होगी जो पूरी पृथ्वी पर यानी कि पूरे संसार में सबसे सुंदर है और यूनिवर्स वो होगी जो पूरी ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। इसका मतलब मेरे हिसाब से मिस वर्ल्ड छोटा होता था और मिस यूनिवर्स बड़ा होता था। आपके दिमाग में भी इस तरह के कंफ्यूजन होंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स दो अलग अलग ब्यूटी पेजेंट है, यानी कि ये दो अलग अलग खिताब है, दो अलग अलग देशों के जरिए जारी होते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये यूएसए से समर्थित है, यानी कि इसको जो समर्थन मिलता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है। जबकि मिस वर्ल्ड जो अभी 14 दिसंबर को उसका अनाउंसमेंट होगा और वो जो है वो ब्रिटेन से चलता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यानी कि हमारा इंग्लैंड से चलता है। तो फिलहाल मिस यूनिवर्स की घोषणा हो गई है और इस बार दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टूंजी ने हाल ही में 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। नाम जरूर याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और साल में क्योंकि हर साल ये बदलता रहता है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टूंजी ने साल 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। जोजी बिनी टूंजी ने विश्व भर में 90 सुंदरियों के हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। जहां मिस यूनिवर्स में 90 से 80 प्रतियोगी यानी कि पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं पर आपका मिस वर्ल्ड में 150 के आसपास पार्टिसिपेंट आते हैं। 150 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने देशों ने उसको एंट्रियां भेजी हैं। भारत की बात की जाए तो भारत की जो सबसे बेहतरीन पेजेंट जो पेजेंट है यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा सुंदरी खिताब है वो है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया जो क्वालिफाई करता है उसी को इस तरह के पेजेंट में यानी इस तरह के खिताब में भेजा जाता है। फिलहाल भारत से वर्तिका सिंह को भेजा गया था लेकिन वर्तिका सिंह अंतिम 10 में जगह नहीं बना पाई और बाहर हो गई। ऐसा माना जा रहा था कि उनको उनकी खूबसूरती के ऊपर उनको काफी सारी तारीफें मिली थी कि ये बहुत खूबसूरत लड़की है, ये जरूर खिताब के फाइनल तक पहुंचेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई है। भारत की तरफ से फेमिना मिस इंडिया 2019 जो थी वो थी वर्तिका सिंह और वो यहां पर गई थी लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाई। आगे की जानकारी चलते हैं। पिछली बार की जो मिस यूनिवर्स थी कैटरीना ग्रे, ये इन्होंने विनर एंड रनर अप की घोषणा की है और ऐसा ये एक प्रथा समझ लीजिए, ऐसा एक रिवाज है कि जो पिछली बार के विनर होते हैं वही अब की बार के विनर को ताज पहनाते हैं। तो फिलहाल वही मेक्सिको की सोफिया आरागोन तीसरे स्थान पर रही हैं, दूसरे स्थान के हाँ मेडिसिन एंडरसन रही हैं पुएर्टो रिको की, पुएर्टो रिको की मेडिसिन एंडरसन दूसरे स्थान पर रही है, मेक्सिको की सोफिया आरागोन तीसरे स्थान पर रही है। और सेमीफाइनल की तक जोजी बिनी टूजी के साथ 20 सुंदरियां पहुंची थी जिसमें भारत की वर्तिका सिंह भी थी, लेकिन हालांकि वर्तिका सिंह टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई हैं और इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। जोजी बिनी का जन्म टोस्लो के ईस्टर्न केप में हुआ है और उनका पड़ोस के गांव सिडोवार्ड वेनी में उनका लालन पोषण हुआ। इसके बाद केपटाउन आ गई और उन्होंने अपने केप पेनिनसुला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। एक बात ध्यान रखना कि आई थिंक कोई भी ये नहीं याद रखता कि सिल्वर मेडल किसने जीता, कोई भी ये याद नहीं रखता कि सेकंड कौन था,
हमें यह तो याद है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन दूसरा कौन था, सॉरी चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला यात्री नील आर्मस्ट्रांग था। हो सकता है कि आपको दूसरा भी याद हो, लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई काम करें, यह मोटिवेशन है, जब भी आप कोई काम करें तो वहां पर कोशिश करें कि आप बेस्ट बनने की कोशिश करें, हमेशा आगे आने की कोशिश करें। अगर आप पहले होंगे तो दुनिया आपको पूछेगी, लेकिन अगर आप दूसरे होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और दूसरी बात, अगर आप कोई सफलता हासिल कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का एसएससी में सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का यूपीपी में सिलेक्शन हुआ होगा, वो चौड़े से घूम रहे होंगे सीना चौड़ा करके कि यार आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बिग, तो आई एम द बेस्ट, तो इस तरह के कई सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे, तो उनको उनसे थोड़ा सावधान रहिए। क्योंकि अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप पहली सफलता के बाद रुक जाते हैं और दूसरी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं तो जमाना पीछे नहीं हटेगा, ये बात कहने से कि जो पहली सफलता आपको मिली थी वो तुक्का थी। फिलहाल बात करें मिस यूनिवर्स की, तो भारत की तरफ से दो मिस यूनिवर्स हुई हैं, सुष्मिता सेन 1994 में और 2000 में लारा दत्ता, जबकि छह ऐसी हुई हैं जो मिस वर्ल्ड रही हैं। मिस वर्ल्ड 2017 में अभी एक खिताब जीता था मानुषी छिल्लर ने। सबसे पहले मिस वर्ल्ड आई थी 1966 में, जिनका नाम था रीता फारिया। रीता फारिया के बाद फिर ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय के बाद फिर युक्ता मुखी, फिर प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, तो छह ऐसी सुंदरियां हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपने यहां पर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बारे में जान ली हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगली जानकारी है फिनलैंड की सना मारिन, द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर। फिनलैंड की बात कर ले थोड़ा सा, मैं आज आपको यूरोप घुमा देता हूं। आई थिंक हाँ, यूरोप घुमाने की बात करें तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर छोटा सा वर्ल्ड मैप रखा हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको देख सके, अच्छे से समझते हैं। वर्ल्ड मैप की स्थिति आप देख पा रहे हैं, नीचे अफ्रीका आ जाएगा, ये आपको यूरोप का एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो यूरोप के ऊपर से ये जो निकला हुआ है और ये रेड पार्ट है, ये आपका फिनलैंड है। और मैप में अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड के ठीक बगल में रशिया आ जाता है, अगर आप उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्वे आ जाएगा, और मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको स्वीडन मिल जाएगा। यहां पर बोस्निया की खाड़ी है, नीचे बाल्टिक सागर है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, हेलसिंकी। अभी यहां पर एक घटना घटी है, और घटना क्या घटी है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है और वो अभी तक की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, उनका नाम है सना मारिन। फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 8 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री पद के लिए सना मारिन को चुना है। सना मारिन की उम्र 34 साल की है, मतलब 34 वर्ष की है, और वर्तमान में किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री होंगी। फिलहाल वह फिनलैंड की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और फिनलैंड की सरकार का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी रिने ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ काफी सारे हड़ताल हो रहे थे, और डाक हड़ताल से निपटने के लिए उन्होंने मामले के गठबंधन सहयोगी पार्टी व विश्वास खोने के बाद यह इस्तीफा उनको देना पड़ गया था। एंटी रिने के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अप्रैल 2019 में मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी, और मैंने बताया भी था कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री वो बने हैं एंटी रिने। तो एंटी रिने अब रिप्लेस कर दिए गए हैं सना मारिन से। सना मारिन की बात करें तो 34 वर्षीय सना मारिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं, और यह खिताब इससे पहले यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचरुक कहां के हैं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचरुक की उम्र अभी 35 साल है, लेकिन इस समय विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है, सना मारिन। कहां से है, फिनलैंड से। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अब चूंकि यूरोपीय कंट्री है तो मुद्रा तो यूरो चलेगी ही। अगली जानकारी है सिंगल स्कूल कैंपेन, एकल विद्यालय समूह। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज भी शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर है। ऐसी स्थिति में एक कमिटी बनाई गई थी, उनका नाम है राम मूर्ति कमेटी। जो न्यूज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये जो एकल विद्यालय अभियान है ये किस समिति की सिफारिश पे चल रहा था, तो ये चल रहा है, तो ये है राम मूर्ति समिति। राम मूर्ति समिति है, इन्होंने 1990 में भारत सरकार को सलाह दी कि जहां पर आप बड़े बड़े विद्यालय डेवलप नहीं कर सकते हैं वहां गांव के कुछ युवकों या उस राज्य के कुछ युवकों को आप एजुकेट कर दीजिए, और वहां पर उनको बोलिए कि वो 10-10 के ग्रुप में पढ़ाएं। इस तरीके से छोटे छोटे विद्यालयों का शुरू हुआ। एकल विद्यालय कहने का मतलब यह है कि वहां पर सिर्फ एक टीचर होता है जो सब कुछ पढ़ाता है। ऐसे में शिक्षा ना हो थोड़ी सी बेटर हो जाए, ये इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि बिल्कुल भी शिक्षा ना हो, जिनके पास बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान ना हो, उनको कम से कम थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाना चाहिए। तो अभी हाल ही में इनकी संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई है, और इसके जरिए 2.8 मिलियन यानी कि लगभग 28 लाख से अधिक ग्रामीण और जनजाति बच्चों लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, आधुनिक और उत्पादक कृषि प्रथाओं के ग्रामीण उद्यमिता द्वारा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को सशक्तिकरण किया जाता है।
एकल विद्यालय अभियान को 2017 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये किस समिति के रिपोर्ट पर या किस समिति के अनुशंसा पर, यह किस समिति के रिकमेंडेशन पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यह है राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति बहुत बड़े शिक्षाविद माने जाते हैं, उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी थी कि भाई इस तरह का कुछ करो। अगली जानकारी है फ्री वाईफाई फैसिलिटी एट रेलवे स्टेशन। अभी दो तीन महीने पहले की बात, सितंबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन देश का 5000वां ऐसा रेलवे स्टेशन बना था जहां फ्री वाईफाई की सुविधा थी। सरकार ने रेलवे स्टेशन को एक ऐसा जोन बना रखा है और मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आपको, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो प्लीज आज के कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिएगा कि सर मैं, मेरे घर पे आसपास कहीं नेट नहीं है, मैं इतना दूर दराज इलाके में हूं, मैं इतना रिमोट लोकेशन पे हूं कि वहां से मैं पढ़ने अपने रेलवे स्टेशन आता हूं जहां पर फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को फायदा पहुंचा रही है, लोगों को लग रहा था कि यह फ्री वाईफाई देने का क्या मतलब है। तो फ्री वाईफाई से कई सारी चीजें आप एक तरह से समझ सकते हैं, हम डिजिटल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि डिजिटल समावेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हर आदमी डिजिटलाइज होगा, डिजिटल से जुड़ा होगा। तो फिलहाल भारतीय रेलवे ने अब तक 5500 स्टेशनों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा दी है। 5000वां स्टेशन था पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, जबकि झारखंड का महाअमिलान रेलवे स्टेशन जो है ये 5500वां रेलवे स्टेशन बन गया है, जहां पर 5500वां रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पर आपको रेलवे की, आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। रेलवे की सुविधा जो फ्री वाईफाई मिल रही है वो रेलटेल नामक एक कंपनी के जरिए मिल रही है और ये भारत का सबसे बड़ा जीगा फाइबर नेटवर्क कंपनी है जिसके जरिए ये रेल वायर नाम से ब्रॉडबैंड चलाती है। और रेल वायर में आपको गूगल की सहयोगिता दिखेगी, यानी कि जहां जहां आप रेल वायर का बोर्ड देखेंगे, जहां जहां इसका स्लोगन देखेंगे वहां पर आप इसको पाएंगे। आपको ये थोड़ा सा नोटिस कर लेना चाहिए क्योंकि आप रेलवे का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिलहाल झारखंड का महामिलान रेलवे स्टेशन यह सुविधा पाने वाला देश का 5500वां स्टेशन बन गया है। रेलवे स्टेशनों पर यह निःशुल्क सुविधा रेल वायर के माध्यम से दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने निःशुल्क वाईफाई सेवा की शुरुआत जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन, यानी कि पहला स्टेशन कौन सा था, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। चलिए तो अभी 5500वां कौन सा बना है, झारखंड का महामिलान रेलवे स्टेशन, और 5000वां कौन सा था, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर। आई थिंक ये जानकारी आपको एकदम याद हो गई होगी अच्छी तरीके से। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, यह है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2019। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरीके है और भ्रष्टाचार का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए घूस लेकर काम करे या रिश्वत लेकर काम करे, यानी कि उसका जो आचार हो जाए वो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हो, वो सही काम के भी आपसे पैसे लेने लगे। तो जिस भी देश में यह रहता है उस देश को पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है। फिलहाल इसको ध्यान में रखते हुए 2003 को, 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य रूप से मकसद भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार है क्या। आम शब्दों में कहें तो भ्रष्ट आचरण का मतलब है किसी जायज या नाजायज काम को करने के लिए दिया जाने वाला अनुचित लाभ। भारत में भ्रष्टाचार को संभालने के लिए एक संस्था है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता के बारे में जांच कर सकता है। बात करें तो सीवीसी की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। के संथानम समिति, यानी कि के संथानम समिति की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1964 में। के संथानम समिति यानी कि कमेटी आप याद कर सकते हैं। सीवीसी का काम होता है किसी भी अधिकारी के प्रति अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो उसका जांच पड़ताल करना और अपनी रिपोर्ट सौंपना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि सीवीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इसकी समिति में शामिल होते हैं, जो इसके आयुक्त और अध्यक्ष का चयन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष है वो है शरद कुमार। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि सीवीसी के पहले प्रेसिडेंट कौन से थे, आपको उनका नाम लिखकर बताना है, जिसके जरिए आप सीवीसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कहीं सर्च करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो आपको बताना है कि सीवीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे जब 1964 में इसकी गठन की गया था। बाकी सारी मैंने जानकारी आपको दे दी है कि के संथानम समिति के रिपोर्ट पर इसका गठन किया था और हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह विश्व में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है सऊदी अरबिया गवर्नमेंट, यानी कि सऊदी अरब से जुड़ी हुई एक न्यूज मैंने अभी आपको परसों बताई थी कि सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, उसका नाम है सऊदी अरामको,
उसने विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है। वो इतना पैसा आईपीओ से जुटाने जा रहा है जितना अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं जुटाया। इसके बाद चीन के अलीबाबा का नंबर आता है। फिलहाल उस न्यूज को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है कि उनके यहां की जो महिलाएं होंगी वो रेस्टोरेंट में अकेले जा सकेंगी। दिसंबर 2018 में उन्होंने एक निर्णय लिया था कि सऊदी अरब की महिलाएं ड्राइविंग कर सकेंगी, और उस दिन महिलाओं को ऐसा महसूस हुआ कि वो वाकई में स्वतंत्र हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में अभी तक महिलाओं को ड्राइविंग करने की आजादी नहीं थी, सड़कों पर अकेले जाने की आजादी नहीं थी, उनके साथ किसी न किसी पुरुष अभिभावक का होना जरूरी था। लेकिन अब ये निर्णय हो गया, फिर उसके बाद एक और निर्णय लिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान जो वर्तमान में वहां पर प्रिंस हैं सऊदी अरब में, वो काफी समय से लगातार महिलाओं के लिए उत्थान के काम करते चले जा रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हम इस तरह से अपने रीति रिवाज या रूढ़िवादिताओं को हमें पीछे छोड़ना होगा। तो फिलहाल एक नया फैसला आया है कि सऊदी अरब के अंदर अब जो भी महिलाएं हैं वो रेस्टोरेंट में प्रवेश कर सकेंगी। अभी तक क्या होता था कि दो अलग अलग डोर होते थे, एक से महिला प्रवेश करती थी, एक से पुरुष प्रवेश करते थे, और अगर कोई महिला रेस्टोरेंट जाना चाहती थी तो उसे अकेले जाने की आजादी नहीं थी, उनके साथ कोई ना कोई पुरुष अधिकारी पुरुष अभिभावक होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सऊदी अरब की सिचुएशन देख लेते हैं, मतलब मैप में उसकी सिचुएशन कहां है। अगर आप गौर से देखें तो लाल सागर आप समझ पा रहे होंगे, ये अफ्रीका के देश है और ये आपका एशिया पोर्शन आ जाता है, जिसमें ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब से नीचे आएंगे ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, और ये आपका भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी है। इस तरफ आएंगे तो मिस्र, सूडान, चाड। यहां पर थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं कि आपको जल्दी जल्दी से फटाफट से यहां पर कुछ राजधानियां याद करा देता हूं, क्योंकि ये मैप आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और आप इसे आराम से देख के यहां पर हम कुछ राजधानियां पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में राजधानियां काफी पूछ रहा है, और क्योंकि ये एशियाई कंट्री है तो आपकी इसकी राजधानी जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं चाड से। चाड की राजधानी है नाद जमीना। सूडान की राजधानी है खार्तूम, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, मिस्र की राजधानी है काहिरा, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी, मुझे नहीं बताने की जरूरत थी, ओमान की राजधानी है मस्कट, यमन की राजधानी है साना, अफगानिस्तान की आई थिंक सभी को पता होगा ये काबुल है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद सभी को पता होगा, ईरान की तेहरान भी सभी को पता होगा, इराक की बगदाद भी सभी को पता होगा। ऊपर चलते हैं सीरिया मिलेगा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, लेबनान की राजधानी है बेरूत, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। तो इस तरीके से आप कुछ और राजधानियां यहां पर याद कर सकते हैं, जो थी इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और यहां पे एक रह गया जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी कंट्री कवर हो गए हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी एक नई जानकारी थी जो आपको देनी थी, तो वो भी दे दी है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। हमें पता है कि हमारे भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार होता है जीवन जीने का अधिकार, उसके बिहाव पर जीवन जीने का अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो नस्ल के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, और चाहे वो भाषा के आधार पर हो। तो किसी भी नागरिक को जो एक लोकतंत्रात्मक राज्य में रहता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए और इसको जागरूक बनाए रखने के लिए कि मानव अधिकार है लोगों का, अभी जो हैदराबाद में पुलिस ने इनकाउंटर किया उसमें भी बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता सामने आए, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा मानवाधिकार का रक्षा ना करें कि किसी दो अपराधों का तुलना करने लगे, एक चोरी का अपराध तुलना करें और एक उस जघन्य अपराध की तुलना करें, उसमें बोले कि चोरी होगी तो भी गोली मार दोगे क्या, अरे ये कौन सा बकवास हुआ। तो ये सारे चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मानवाधिकार हैं, और मानवाधिकार ही ऐसे हैं जो हमें लिबर्टी देते हैं, जो हमें इक्विटी देते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समता, स्वतंत्रता, शोषण, शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 6 ऐसे अधिकार हैं जो आपको आर्टिकल के थ्रू पॉलिटी में पढ़ने चाहिए, और ये हमेशा पढ़ने चाहिए क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल साल के हर दिन की तरह 10 दिसंबर का दिन भी कई घटनाओं के लिए जाना जाता है, और ये सारी घटनाएं मैंने यहां पर नोट की हुई हैं, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो मानवाधिकार की दृष्टि से इस तारीख का खास महत्व है, क्योंकि 10 दिसंबर के दिन को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अभी अभी मैंने 9 दिसंबर की बात की है, और आपको याद होगा कि 9 दिसंबर को हम लोग किस तरीके से मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस, यानी कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, एंटी करप्शन डे। यहां पर हम मना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को ही मानवाधिकार घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, दोनों ही यूएन के डे हैं, संयुक्त राष्ट्र के डे हैं, वो भी संयुक्त राष्ट्र का था, ये भी संयुक्त राष्ट्र का है।
जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना है। 10 दिसंबर की तारीख में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहां पर हैं। 1878 में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से मोहम्मद अली जौहर का रामपुर में जन्म हुआ था। 1896 में नोबल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल का निधन हुआ था। 1898 में इसी दिन यानी 10 दिसंबर को पेरिस संधि समझौता हुआ था, जिसमें स्पेन अमेरिका युद्ध समाप्त हुआ था जो काफी समय से चल रहा था। 1902 में तस्मानिया में महिलाओं को मत देने का पहली बार अधिकार मिला था। 1950 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया 1950 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और 2001 में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार जी का निधन हुआ था। 2007 में क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनेर अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार और 10 दिसंबर को मानवाधिकार, तो याद रहिए, ये पक्का याद रखिएगा। अगली जानकारी की तरफ चलें तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगल इटली की रहने वाली थी। 12 मई 1820 को इनका जन्म रोम में हुआ था। और इन्हें हम बचपन में एक चैप्टर पढ़ते थे अपनी इंग्लिश की किताब में, द लेडी विद द लैम्प। ये बहुत ही संपन्न ब्रिटिश परिवार से थी, लेडी विद द लैम्प। लेकिन इन्होंने वो पूरी अपना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोच पाते हैं, बहुत कम लोग, आप उनको गिनते उंगलियों पे गिन सकते हैं, संसार में ऐसे लोग हुए हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा संसाधन त्यागते हैं और दूसरों की सेवाओं पर जुट जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम भी इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का अपना पूरा ऐसो आराम का जीवन छोड़ के बहुत सारे लोगों की सेवा की, और उन्हीं को याद करने के लिए हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 के तहत 36 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड केरल के कोझिकोड की स्वर्गीय लीनी सजेस को दिया गया है, जिनकी एक रोगी जिसको निपाह वायरस था। निपाह वायरस चमगादड़ के से फैलता है और ये इसको बैट वायरस भी कहते हैं, जिसमें बहुत तेज बुखार आता है और मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं। ये संक्रामक रोग होता है, चमगादड़ से मनुष्यों को होता है। इसका इलाज करते करते वो भी निपाह वायरस से ग्रस्त हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पति को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे मिडवाइव्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स और विभिन्न राज्यों के इनशासित प्रदेशों के नर्स कर्मियों को ये प्रदान किए गए हैं। नर्सों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में किए गए उनके कार्यों के प्रति उत्साह और करुणा के लिए सम्मानित किया गया। और पोलियो, मलेरिया और एचआईवी एड्स के उन्मूलन जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी उनकी भाग दे रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 को नर्सों और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है, तो 2020 को इसकी थीम रहेगी। 2020 की किसने घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती भी है। मैंने बोला ना, वो 1920 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो 200वीं जयंती है, इस वजह से ये वर्ष उनके नाम पर मनाया जाएगा। अगली जानकारी है स्टेट DGP कॉन्फ्रेंस, यानी कि राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 54वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। इस वर्ष यह सम्मेलन पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया है। तो देश के जो DGP हैं और स्टेट के जो DGP हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ DGI वगैरह हैं, उनका सभी का एक सम्मेलन हुआ। ये कहां आयोजित हुआ? ये पुणे में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था। अभी तक हम 1857 को मानते थे कि 1857 का जो हमारा क्रांति था वो देश का पहला क्रांति था, जिसने देश के अंदर आजादी के सपने को बोया, जिसने देश के अंदर आजादी को लोगों आजादी का मतलब समझाया कि वह मतलब क्या होता है। लेकिन अभी हाल ही में एक संग्रहालय की नींव रखी जा रही है उड़ीसा में, और ये 1817 के एक विद्रोह हुआ था पाइकू बुक्सी जगबंधु के नेतृत्व में। वहां के उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी को काफी मानते हैं और उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी लगातार किसानों की जमीन हड़पती चली जा रही थी, तो उनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी बुक्सी जगबंधु ने, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हुए। तो ऐसे में उस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह घोषित किया जा रहा है और उसको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कल उड़ीसा में पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला रखी है। प्रस्तावित स्मारक खुर्दा जिले के, ये जरूर याद रखिएगा, खुर्दा जिले के बारूनेई पहाड़ी में है। खुर्दा जिले के बारूनेई पहाड़ी में मनाया जाएगा। यह उड़िया लोगों को शौर्य और युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का प्रतीक होगा। वर्ष 1817 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पाइका विद्रोह हुआ था।
अब ऐसा नहीं है कि जब आप करंट पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री से नहीं जुड़ते, अब ये हिस्ट्री से जुड़ गए। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? 1817 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके नेतृत्व में हुआ था? बुक्सी जगबंधु के नेतृत्व में। तो उड़ीसा के गजपति शासकों के तहत आने वाले किसानों की सेना जिनको पाइका कहा गया, 1817 में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था, जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने की हाल ही में घोषणा की है। अदरवाइज हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को अब तक का देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता था। पूरा इतिहास ही हिल गया इस करेंट अफेयर्स से। अगली जानकारी की तरफ चलें तो रिपु दमन बेवली, अब ये कौन है? तो रिपु दमन एक राजा हुआ करते थे बहुत समय पहले, और उन्हीं का नाम याद आता है मुझे, वो नाभा के राजा हुआ करते थे। तो केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, ये जो है तस्वीर आप देख रहे हैं ये किरण रिजिजू जी की है, और उनके बगल में खड़े हैं रिपु दमन देवली। रिपु दमन देवली भारत के पहले प्लॉगिंग है, प्लॉगर है। अब ये प्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर तो सुना था, जॉगर सुना था, ये प्लॉगर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो चलते समय कूड़ा उठाता है, जॉगिंग करते समय कूड़ा उठाता है, उसे प्लॉगिंग, प्लॉग इस पूरी प्रक्रिया को प्लॉगिंग कहा जाता है और उसको प्लॉगर कहा जाता है। तो भारत के पहले प्लॉगर बने हैं रिपु दमन देवली, और उनको उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो रिपु दमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर नामित किया गया है, राजदूत नामित किया गया है प्लॉगिंग का। रिपु दमन बेवली को प्लॉगमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रिपु दमन बेवली ने 2017 में प्लॉगिंग शुरू की थी, और उन्होंने कसम खाई है कि वो 50 शहरों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इतना कूड़ा उन्होंने अभी तक एकत्र किया है। उनका सीधा सीधा मकसद यह है कि जो कूड़ा पड़ा रहता है, उनका सीधा सीधा कहना है कि जब हम सुबह दौड़ने निकलते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं, उस समय दिखता है सर पे सिर्फ कूड़ा कूड़ा कूड़ा, तो उसको थोड़ा सा समेटना और क्लीन इंडिया यानी किसी तरीके से अपने देश को स्वच्छ बनाए रखना है। रिपु दमन देवली का जो नाम है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि प्लॉगिंग का, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगली जानकारी है सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। वीरप्पन का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं, वीरप्पन का आतंक काफी समय तक जंगलों में रहा और काफी समय तक वो लोगों को दक्षिण भारत में परेशान करता रहा, अंतर नक्सलवादी से जुड़ा हुआ था। उसका खात्मा किया था के विजय कुमार ने। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो के विजय कुमार की है, और इनको माना जाता है कि जहां पे उलझे हुए मामले होते हैं ये उनको बड़ी अच्छे से सुलझा सकते हैं। वीरप्पन को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो इन्होंने ही चलाया था। तो फिलहाल इन्हें 1975 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है के विजय कुमार, और इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये गृह मंत्रालय को जम्मू कश्मीर तथा लेफ्ट विंग उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के संदर्भ में सलाह देने का कार्य करेंगे। तो के विजय कुमार सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर बनेंगे। अब बारी है हमारे आज के वनलाइनर की। करेंट अफेयर में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, एक और है। लोकसभा में एक नागरिकता संशोधन विधेयक चल रहा है जिसमें आजकल काफी लड़ाई चल रही है, वो संशोधन विधेयक प्रॉपर उसकी सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी तो मैं आपको करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने नागरिकता संशोधन विधेयक छोड़ दिया है, जी नहीं, अभी मुझे उसका प्रॉपर मैटर कलेक्ट करना है, और वो मैं जैसे मैटर कलेक्ट करूंगा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। एक भी चीज आपके करंट अफेयर्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपसे छूटी की नहीं, फालतू पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है कि आप खामखा पढ़ते चले जाएं और खामखा इतना सारा था आप अपने सर पे बोझ लेके घूमें और पेपर में बहुत कम आना। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना जरूर आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं मॉक में सही अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं। यार देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरा बनाया हुआ मॉक लगाएंगे तो आप चाहे जहां से भी करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाइए आपको लगेगा कि आपने वहां पर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, और ऐसे में किसी पर्टिकुलर मॉक का कवर करना मेरे लिए मुसीबत हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा यह करता हूं कि एग्जाम में आपका एक भी करंट अफेयर छूटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं छूटने दूंगा। बाकी कुछ भी करना चले मुझे, कुछ भी करना पड़े मुझे। हाल ही में कौन से देश की सरकार ने अनुसार अब रेस्टोरों में अकेले महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं? तो वो है सऊदी अरब। इस तरह की चीजें सऊदी अरब में ही होती हैं। हाल ही में कौन से देश की जोजो बिनी टुंजी ने साल 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है? वो है दक्षिण अफ्रीका। और अभी मिस वर्ल्ड होगा 14 दिसंबर में, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस बार का मिस वर्ल्ड किसने जीता है। वैसे पिछली बार यानी मिस वर्ल्ड 2018 जो था वो था वेनेसा पोन्स के नाम, वेनेसा पोन्स के नाम, वेनेसा पोन्स, ये मेक्सिको की हैं जिनके नाम ये पेजेंट है। यानी कि अभी अगर आप मिस वर्ल्ड की बात करें तो अभी हाल फिलहाल मिस वर्ल्ड यही है। हाल ही में एकल विद्यालय अभियान के तहत देशभर में खोले गए एकल विद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? ये 1,00,000 हो गई है। और ये किस समिति के अनुशंसा पर बनाए गए थे? ये राममूर्ति समिति के अनुशंसा पर बनाए गए थे। हाल ही में भारतीय रेलवे में अब तक देश के कितने स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है? तो वो 5,500। और झारखंड का महाअल्मिनान
महामिलान जो स्टेशन है वो 5,500वां स्टेशन रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, यानी आज। हाल ही में कौन से देश के सोशल डेमोक्रेटिक दल ने 34 वर्षीय सना मारिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है 34 वर्षीय सना मारिन, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नर्सिंग कर्मियों के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 के लिए तहत कितने पुरस्कार प्रदान किए? तो वो 36 पुरस्कार प्रदान किए। हाल ही में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया? ये 54वां सम्मेलन था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा में कौन से विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला रखी है? तो वो उन्होंने उड़ीसा में रखी है पाइका विद्रोह के लिए। हाल ही में भारत के प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रिपु दमन देवली। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो वीरप्पन को समाप्त करने वाले के विजय कुमार जो है वो वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार गृह मंत्रालय में चुने गए हैं। तो अब बारी है आज के हमारे क्विज की। हाल ही में कौन से देश के सरकार ने आप रेस्टोरेंट में अकेले महिला प्रवेश कर सकेंगी? ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होता है ताकि जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हाल ही में कौन से देश की जोजोबिनी टुंजी ने साल 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है? तो वो है आपकी दक्षिण अफ्रीका, मिली नहीं रहा था। हाल ही में एकल विद्यालय अभियान के तहत देशभर में खोले गए एकल विद्यालयों की संख्या कितने लाख से ऊपर हो गई है? तो वर्तमान में ये 1,00,000 से ऊपर हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर जनजातियों के लिए विद्यालय उपलब्ध कराने में मुसीबत है, वहां पर रामूर्ति जी समिति के अनुशंसा पर इस तरह के विद्यालयों का निर्माण करना था कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे जिससे ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल हाल ही में भारतीय रेलवे अब तक देश के कितने स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा रहा है? तो 5,500 स्टेशन हो चुके हैं। झारखंड का महामिलान रेलवे स्टेशन जो है वो आपका 5,500वां स्टेशन है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर 5,000वां था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 दिसंबर को। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? याद करो, 10 दिसंबर को, आज ही मना रहे हैं। हाल ही में कौन से देश के सोशल डेमोक्रेट दल ने 34 वर्षीय सना मारिन को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 के तहत कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो उन्होंने उनको 36 पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो है आपका 54वां, कहां आयोजित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उड़ीसा में कौन से विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला रखी है? तो पाइका विद्रोह बक्सी जोगबंधु के नेतृत्व में 1817 में। हाल ही में भारत के प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिपु दमन वेबली भारत के पहले प्लॉगर हैं जिन्होंने 50 शहरों के लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 2.5 टन कूड़ा एकत्र किया है और सफाई की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं के विजय कुमार। 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनको अभी हाल ही में यहां पर केंद्रीय सुरक्षा मामलों के लिए जम्मू कश्मीर और लेफ्ट फ्रंट यानी कि उग्रवादियों से जुड़े हुए मामलों के बारे में सलाह देने के लिए गृह मंत्री को नियुक्त किया गया है और ये काफी समय तक राज्यपाल के भी सलाहकार रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। सारी न्यूज़ कवर होंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। बाकी अभी आप एसएससी सीपीयू का पेपर देखिए, कई सारे रिस्पॉन्सेज ऐसे आए हैं मेरे पास जो सीपीयू का पेपर आ रहा है उसमें 10-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं और उसमें एक भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो है सामने। थोड़ा सा धीमे हूं जरूर, अभी थोड़ा सा ग्रो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो अगर आप हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं ऐसा भी चाहता हूं कि आपको अगर कोई फीडबैक देना हो, आपको कोई सजेशन देने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर लिखिए, मैं उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।